हमारा नया टॉपिक कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, इन दिस कॉम्बिनेशन टू और मोर कैपेसिटर्स रिमेन कनेक्टेड इन पैरेलल और टू और मोर कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड टू ए बैटरी सेपरेटली, है ना। ये C1 कैपेसिटर, ये C2 और ये C3 कैपेसिटर है। ये पॉइंट अलग, ये तीनों सेपरेटली किसी बैटरी से के पॉजिटिव पोल से जोड़ दिए हमने। ठीक, ये पॉजिटिव पोल और ये नेगेटिव माइनस, ये C3 कैपेसिटर और हम देख सकते हैं क्लियर, इसमें तीनों कैपेसिटरों का फर्स्ट पोल अपने अलग रास्ते से पॉजिटिव पोल से जुड़ा हुआ है। ये देखो यहाँ पर देखें, ठीक है। दूसरा सेकंड पोल ये इस कैपेसिटर का ऐसे और इसका ये इस तरह से और इसका ऐसे ऊपर जाके नीचे फिर ऐसे, बैटरी से तीनों कैपेसिटर अलग अलग कनेक्टेड हैं। ठीक है, जैसे ही मैं पॉजिटिव, मैंने मान लिया जब ये वी वोल्ट की बैटरी है, इसका पोटेंशियल कितना है बैटरी का वी, ठीक है, तो चूंकि ये भी सेपरेट है तो इसका भी पोटेंशियल वी होगा, इसका भी वी और इसका भी पोटेंशियल सेम, कैपेसिटी अलग अलग। और कैपेसिटर का एक फंडामेंटल हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, क्यू इज इक्वल टू सी इंटू वी। अगर देखो सी वी तीनों की सेम है, कैपेसिटी अलग अलग है, तो क्यू दो तीनों का इंड्यूस जो होगा वो अलग अलग होगा। जैसी मैं, इसका मतलब यह हुआ, जैसी बैटरी को मैं कनेक्ट करूंगा, बैटरी का पॉजिटिव पोल तीनों पॉइंटों पर कनेक्ट होगा, तो तीनों पॉइंट्स को ही ये पॉजिटिवली चार्ज कर देगा, यहां पर भी ये पॉइंट पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिवली इंड्यूस हो जाएगा चार्ज। ठीक है, ऐसे कब तक, जब तक पोलराइजेशन कंप्लीट ना हो तब तक इसमें चार्ज का फ्लो रहेगा। ठीक है, चार्ज हमें ध्यान रखना है कि कभी भी बैटरी से कनेक्ट, हमें लग तो ऐसा रहा है जैसे इसका चार्ज Q1 है, इसका Q2 और इसका Q3 और इस तरह से फ्लो होता है चार्ज पॉजिटिव की तरफ से ऐसे और ये सीधा सिंपल इस तरह से चार्ज इस तरह से फ्लो होता है। लेकिन कभी भी बैटरी से चार्ज, बैटरी चार्ज को प्रोवाइड नहीं करती है, बैटरी केवल पोटेंशियल डिफरेंस को प्रोवाइड करती है, हमें ध्यान रखना होगा। चार्ज कंडक्टर अपने अंदर एग्जिस्ट करता है, उस चार्ज को फ्लो कराने का काम हमारी बैटरी करती है। ठीक है, इसका ये कंडक्टर लगे हुए हैं इन कैपेसिटर के अलॉन्ग, इनके अंदर चार्ज पार्टिकल है पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक, जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो नेगेटिव जो पोल है नेगेटिव कर देगा सारे पॉइंट्स को और पॉजिटिव पोल की वजह से क्या हो जाएंगे, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएंगे। इस कंडीशन में दूसरे पॉइंट्स पर जैसे ही हम पॉजिटिव, दूसरी तरह से हम समझ सकते हैं, जैसे इसको पॉजिटिव प्लेट से हम जोड़ेंगे तीनों को, तो ये सेकंड प्लेट खुद पे खुद ही क्या हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज इंड्यूस हो जाएगा इस पर, जिसकी इस, अब हमने मान लिया कि इस कैपेसिटर में Q1, इसमें Q2 और इसमें Q3 टोटल चार्ज है। तो अगर टोटल चार्ज की बात करें हम, तो टोटल चार्ज होगा क्यू इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 और प्लस Q3। क्यू CV लिख देंगे हम, सी क्या है, टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटी, वी इज द पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल। ओके, अब Q1 पॉइंट पर बात करते हैं, Q1 C1 इंटू वी, ऐसे ही C2 इंटू वी प्लस C3 इंटू वी, वी कॉमन को हमारा फॉर्मूला जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटी इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ओके, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जनरली हमें अब ये याद रखना पड़ेगा कि पोटेंशियल तो सेम है, चार्ज की क्वांटिटी अलग अलग हो जाएगी। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, चार्ज सेम रहता है, पोटेंशियल डिवाइड हो जाता है। चार्ज क्यों अलग अलग होता है उस सीरीज कॉम्बिनेशन में, क्यों, क्योंकि क्यू इज इक्वल टू CV, वहां पर वी डिफरेंट था, सी डिफरेंट था, है ना, वी डिफरेंट था और सी डिफरेंट था, तो तीसरी हमने क्वांटिटी क्यू को सेम रहना होगा। यहां पर क्या है, वी सेम है, सी डिफरेंट है, तो वी तो सेम हो गया ना, तो क्यू डिफरेंट हो जाएगा अपने आप। ठीक, ओके।